हाय गाइस, अगर आप कृषि से बिलोंग करते हैं, एग्रीकल्चर अगर आपका लाइफ का हिस्सा है तो आपके लिए एक अच्छी खबर है। आप अगर इसके स्टूडेंट हैं तो आप इसको अच्छे से जानते होंगे कि यहाँ पे एक प्रॉब्लम आता था कि आपका हॉर्टिकल्चर का जो कॉलेज है वो आपका एग्रीकल्चर के अंतर्गत आता था। लेकिन अब क्या है, यहाँ पे छत्तीसगढ़ सरकार ने यहाँ पे आपको एक अच्छा मौका दिया है। इन्होंने क्या किया है, 2 अक्टूबर को यहाँ पे भूमि पूजन रख रहे हैं हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी का। इसी सिलसिले में हम इस वीडियो में पूरी तरीके से बात करेंगे। देखिए, लिखता है सीएम कल उद्यानिकी विश्वविद्यालय का करेंगे भूमि पूजन, कल मतलब 2 अक्टूबर को। रायपुर से यह न्यूज़ है, 30 सितंबर 2020 का यह न्यूज़ है। लिखता है मुख्यमंत्री जी भूपेश बघेल 2 अक्टूबर गांधी जयंती पर दुर्ग जिले के पाटन विकास खंड के ग्राम सांकरा में 55 करोड़ रुपए लागत से निर्मित होने वाली महात्मा गांधी उद्यानिकी व वानिकी विश्वविद्यालय का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भूमि पूजन करेंगे। यहाँ पे साफ साफ आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे 55 करोड़ रुपए के लागत से आपका नया यूनिवर्सिटी बन रहा है। जैसे आपका इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय है, ये आपका इंदिरा गांधी जी के नाम पर है, इसी तरह यहाँ पे महात्मा गांधी जी के नाम पर यहाँ पे उद्यानिकी व वानिकी विश्वविद्यालय यानी कि आपका हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी आपका बनने वाला है। तो इसका जो भूमि पूजन होना है वो 2 अक्टूबर को यहाँ पे होना है, मतलब गांधी जयंती जिस दिन है गांधी जी को उसी दिन यहाँ पे समर्पित किया जाएगा। दुर्ग जिले में ये बनने वाला है और छत्तीसगढ़ के स्टूडेंट के लिए काफी अच्छी बात है कि आपके लिए अलग से यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी बनाया जा रहा है शासन की तरफ से, ताकि कल को आपको क्या होगा और अच्छी तरीके से और नए टेक्नोलॉजी के साथ आपको पढ़ाई करने का अवसर प्रदान हो। वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी नॉलेजेबल लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। अगर आप हमारे साथ इंस्टाग्राम में जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें।